दादा तहसील में चल रहा है हफ्ता राज। जानवरों की तरह निजी वाहनों में कर रहे हैं मौत की सवारी। अंबाजी के त्रिशूलिया घाट में एक दुर्घटना में 10 लोगों की मौत हुई है। जो जीप और डाले के बीच अकस्मात हुआ था उसमें 35 मुसाफिर भरे हुए थे। इस दुर्घटना की गंभीर जांच करने के बाद राज्य सरकार ने जिला आरटीओ को सस्पेंड कर दिया है। हालांकि दाता तहसील के मार्ग पर रिश्वत की ताकत से वर्तमान समय में जानवरों की तरह भरकर मुसाफरी की जाती है। दाता पुलिस द्वारा इन वाहन चालकों के सामने कोई भी कार्यवाही नहीं की जाती। रोजाना हजारों लोग खुद की जान जोखिम में डालकर मुसाफरी कर रहे हैं। दाता के बाहरी विस्तार जैसे कि दाता अंबाजी, दाता हड़ा, दाता वंशी जैसे अन्य क्षेत्रों में निजी वाहनों में जान के जोखिम पर मुसाफरी की जाती है, लेकिन दाता पुलिस को ऐसे वाहन क्यों नहीं दिखाई देते? इस पर कई सवाल खड़े हुए हैं। दाता पुलिस इस समग्र मामले में अज्ञात हो ऐसे कर रही है। ऐसे खानगी वाहन चालकों को पुलिस के ट्रैफिक नियम का भय ना हो, ऐसे खुलेआम जानवरों की तरह वाहन चालक अप्रत्याशित रूप से यात्रा करा रहे हैं, फिर भी दाता पुलिस कोई कठोर कदम नहीं उठा रही। बनासकांठा के पुलिस प्रमुख योग्य कार्यवाही करे ऐसी लोगों ने मांग की है। बनासकांठा से गिरीश जोशी की खास रिपोर्ट। अपने शहर और आसपास की खबरें जानने के लिए देखते रहिए एटीएन टीवी न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।